हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम है शिवांश पसील। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कल है थर्सडे एंड एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी, तो किस तरीके से हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सारी बातें करेंगे। प्लस कुछ स्टॉक्स के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ और आप लोगों को बताऊंगा कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप लोग ट्रेड करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत बार कह रहा था कि आप लोग नीचे दिए गए लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है स्विंग ट्रेडिंग में। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टेलीग्राम आ रहे थे कि सर एक्चुअल में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अकाउंट खुलवाने में, और अगर आप एंजल ब्रोकिंग में आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक महीना हो गया मुझे एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाए हुए, एंड ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर मैंने सिर्फ स्विंग ट्रेड करके सिर्फ कैश में ट्रेड कराए, एंड मैंने अपनी कैपिटल को ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 50% प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अराउंड मैंने 170,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे थे इनिशियली, एंड उससे मैं 50% प्रॉफिट अर्न कर चुका हूँ विद इन दिस मंथ, एंड वो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। मतलब स्ट्रैटेजी नहीं, सिंपल बेसिक है जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वही मैं प्रेजेंट करता हूँ, बट एंजल ब्रोकिंग के थ्रू मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे थे। सो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर बताइए क्या है, एक बार दिखाइए अपना प्लेटफॉर्म और पूरा। सो मैंने सोचा एक बार चलिए आपके साथ, अब जो कमिंग संडे है या सैटरडे में शेयर करूंगा जब मैं एक बार अपने फंड्स मतलब मैं सारी होल्डिंग्स फ्राइडे तक एग्जिट कर लूंगा, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पांच स्टॉक्स की बात करते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, एंड उसके बेसिस पे अपना एक मार्केट का रिजल्ट निकालेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, सबसे पहला स्टॉक है हमारा जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे जो पैटर्न बना है उसे हम लोग कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड करने के दो से तीन तरीके हैं, वो मैं आप लोगों को अगर नेक्स्ट टाइम कभी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा। बट एक पैटर्न जो एक तरीका होता है वो क्या होता है कि हम लोगों ने सबसे पहले एक डबल बॉटम बनते हुए देखा, एग्जैक्ट अपने लो पे बाय नहीं करते हम लोग, एक देखते हैं कंफर्मेशन का वेट करते हैं। वो कंफर्मेशन सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हम लोग टॉप से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आता है और क्लोजिंग होती है तो हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट करते हैं। दूसरा मेथड होता है कि ये जो प्रीवियस हाई होता है, प्रीवियस स्विंग हाई, इसके ऊपर ब्रेकआउट पे हम लोग बाय करते हैं। बट आई थिंक बहुत अच्छी कैंडल है, अपने चार से पांच दिन की मूवमेंट को पूरा कैप्चर कर लिया गया है और अच्छे से मतलब इसने आज अपनी मूवमेंट करी है। सो मुझे लगता है ये कल स्टॉक बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। करंट प्राइस है इसका 3155 का, आप लोग बाय कर सकते हैं एग्जैक्ट इस प्राइस पे भी, या अगर कल 5-6 रुपए नीचे मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं। टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे लगता है कि दो से तीन दिन लग सकते हैं, सो बाय फ्राइडे तक मुझे लगता है ये स्टॉक अपने टारगेट्स को रीच कर सकता है और हायर लेवल भी दिखा सकता है। सो मेरे जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज 3190 रुपीज का टारगेट, जो कि प्रीवियस हाई है, एंड अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग अपने प्रीवियस हाई 3300 तक के भी टारगेट्स तक एग्ज्यूम कर सकते हैं। बट कल या परसों दो दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं 40-50 पॉइंट्स का एक टारगेट मान के चल रहा हूँ जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर। सो ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, तो आप इसमें डेफिनेटली एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो हमारा सेकंड स्टॉक है LTI। LTI यानी कि लार्सन एंड ट्यूबो इन्फोटेक। ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और आप लोगों को पता है आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और आज के मार्केट का जो गेनर है एक सेक्टर जो भी आईटी ही है। सो ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने सिलेक्ट करा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने के चांसेस है और आज भी इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है। स्टॉक आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी चलती हुई आ रही है, एंड ट्रेंड लाइन पर लॉन्ग टर्म से ये बेसिकली सपोर्ट ले रहे हैं, एक साल से ज़्यादा हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जूम करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने एक ट्रिपल टॉप टाइप एक सिनेरियो क्रिएट करा है, बट मुझे लगता है ये जो बुलिश मूवमेंट आई है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पास्ट कितने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, वॉल्यूम्स देख रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से स्पर्श कर रहे हैं, आई थिंक इसका कल एक ब्रेकआउट आ सकता है। अभी अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल पे अराउंड 4200 को क्रॉस करा है बहुत टाइम बाद, सो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आने के चांसेस इस पर अभी भी है। कल है विप्रो का रिजल्ट, अगर विप्रो का रिजल्ट ठीक ठाक भी आता है और अगर आईटी सेक्टर दोबारा बढ़ना स्टार्ट होता है बिकॉज ब्रेकआउट आया है, सो ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी करंट प्राइस है इसका 42-14 रुपीस का, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं अबव 42-20 रुपीस। अबव 42-20 के ऊपर अगर आप बाय करेंगे, जो मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, लेट मी शो यू अबाउट दैट एज वेल, जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ दैट इज
4300 and 4400, दो टारगेट्स में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, 4300 and 4400, जो मुझे लगता है ये स्टॉक इजीली दिखा सकता है। स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर रखेगा, एज अ स्विंग ट्रेड आप इसे रख सकते हैं। मुझे लगता है कि विद इन अ 2 to 3 days आपको बढ़िया रिजल्ट ये स्टॉक्स दिखा सकते हैं, सो वॉचलिस्ट के अंदर आप जरूर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। हमारा थर्ड स्टॉक है JBM ऑटो, स्टॉक का नाम है, एंड यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली सेटअप विजिबल होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, जिसका बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। दूसरी बात आप देख सकते हैं, शार्प अपमूव कंसोलिडेट कर रहा है कम से कम 3 महीने एंड उसका ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, एग्जैक्ट दोनों पैटर्न का सेम लेवल से ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। यस, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है, जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया और जहाँ क्लोजिंग मिली है, वो थोड़ा सा फार है, बट अभी भी मुझे लगता है कि टारगेट इसके दूर है, तो अगर आपको डिप में भी मिलता है तो इसे आप बाय करके चल सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा स्टॉक से रिलेटेड, ये आपके नॉलेज के लिए भी आ सकती है। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत टाइम बाद ये स्टॉक ने ये हाई क्रिएट करा है। इससे पहले आप देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड पे ही स्टॉक था, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। सो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं जब ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम्स किस तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। ये वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4 to 5 times हैं जो एवरेज आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब इतनी तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और अगर कोई स्टॉक अपने टॉप पे होता है और उसके अलावा अगर कोई स्टॉक अपने बॉटम पे होता है, सो वहां पर एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको पता होगा ये बात, वरना अगर आप लोग बैक टेस्टिंग करेंगे किसी स्टॉक से रिलेटेड तो आपको नॉलेज मिलेगी। सो देयर इज अ प्रोबेबली अ स्लाइटेस्ट चांस कि हो सकता है कि यहाँ से ही थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाए, मतलब इनसाइड कैंडल क्रिएट कर दे या हल्का हल्का इधर ही रहे और फिर एक बहुत तेजी से ब्रेकआउट दे, ठीक है। आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। जब इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा बाइंग आ जाती है उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, सो वो क्या होता है, वो नीचे से ही आ रही होती है एंड यहाँ पर देख के फिर लोग अपनी पोजीशन को, प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट करते हैं जब एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है। अभी भी 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है स्टॉक के अंदर, स्टॉक बहुत अच्छा है, अभी भी 50 points की अपसाइड इसी करंट लेवल से दिखा सकता है। बट अगर आप लोगों को कल एक डिप में दिखता है, अगर बाय चांस आपको ये डिप में दिखता है तो इसे बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 505 rupees के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो स्मॉल क्वांटिटीज पे आप इसे बाय करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये डिप आएगी इस पे, वहां पर हम लोगों को एक्यूमुलेशन करना है। ये स्टॉक मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे खुद के स्विंग ट्रेड के अंदर ऑलरेडी है, मैंने आज खुद इस पे एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करी हुई है एंड मैंने इसे होल्ड करके रखा हुआ है। सो इस स्टॉक को आप लोग अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम एक बार मैं आप लोगों को इसका दिखा देता हूं तो आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इस लेवल से एक ब्रेकआउट दे चुका है, मेरा टारगेट्स है प्रीवियस ये लेवल का जो कि 550 rupees का है। मुझे लगता है इजीली ये स्टॉक 550 to 600 rupees तक इजीली जा सकता है विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की। हमारा फोर्थ स्टॉक है बोरोरिन्यू। बोरोरिन्यू एक सिंबल है एंड इसका अगर मैं फुल नेम की बात करूँ तो बोरोसिल रिन्यूएबल। सो यहाँ पर आप अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो एक सिंपल एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का, एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, 5% के अपर सर्किट पे जाके इसने क्लोजिंग करी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक दिखा सकता है। दूसरी चीज़ और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अब आप देख रहे हैं दोनों लाइन कन्वर्ज हो गई हैं। अब इस दोनों लाइन के अंदर ट्रेड करने की, आप देख सकते हैं इस रेंज के अंदर ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो गया। जब एक लाइन कन्वर्ज हो जाती है और एंड पॉइंट पे जाके अगर वो ब्रेकआउट देता है, सो वहाँ पर जो एक प्रेशर आता है बाइंग का और सेलिंग का, वो बहुत तेज़ी से आता है। अब इसने हायर साइड में ब्रेकआउट दिया है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का भी ऊपर जाके क्लोजिंग करी है, सो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग आ सकती है स्टॉक के अंदर। डेफिनेटली आप लोग इस स्टॉक पर एक पोजिशन बना के चल सकते हैं। स्टॉक का टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 320 rupees के आसपास का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है एंड मुझे लगता है ये स्टॉक इजीली वहां लेवल तक पहुंच सकता है। दूसरी चीज और अगर आप देखेंगे तो मैं एक ट्रेंड लाइन आपके सामने और प्रेजेंट करता हूं। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हैं सो यहां पर भी एक फ्लैग एंड पोल का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट दिखा सकता है। सो ये था हमारा फोर्थ स्टॉक एज अ स्विंग ट्रेड। बात करते हैं अपने लास्ट एंड फिफ्थ स्टॉक की। सो हमारा फिफ्थ स्टॉक का नाम है HDFC AMC। पे मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग पे बता दूं कि पर्टिकुलर मेरे पास स्विंग ट्रेड के लिए पड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी ये रखा हुआ है एंड अब मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन पे ये एक मूवमेंट कर सकता है।
क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो पे भी एक चीज़ बताई थी कि ये एक रेंज के अंदर स्टॉक है, ब्रेकआउट देने के बाद जब दोबारा रेंज के अंदर आ जाता है सो देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि अगर उस सेकेंड रेंज का ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अब यहां पर आप देखेंगे एक रेंज का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा एक रेंज के अंदर आ गया और इसका ब्रेकआउट आया। अब थोड़ा सा मैं जूम करके यहां पर आपको दिखाता हूं और अच्छे से एनालिसिस करते हैं स्टॉक की। आप देखेंगे ये रेड कलर की लाइन है, इस रेड कलर की लाइन के ऊपर हमें बाय करना था बिकॉज ब्रेकआउट इस लाइन के ऊपर आता, बट आप देखेंगे हम लोगों ने, मैंने इस पर्टिकुलर लेवल पर बाय करा था, मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं करा। बट अगर आप यहां पर देखेंगे इसने इस रेड लाइन के ऊपर एक बार भी क्लोजिंग नहीं दिया, लगातार 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन तक इसी के ऊपर ट्रेड करता रहा बट आखिरी में क्लोजिंग नीचे ही आई वरना रेड कैंडल के साथ आई। आज के ट्रेडिंग सेशन पे इसने अपने सारे पॉइंट्स को कवर करके ऊपर की तरफ एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट या अपमूव, एक अपट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। स्टॉक का करंट प्राइस है HDFC AMC का 2957 के अराउंड एंड स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं इस रेड लाइन के नीचे अराउंड 2930 रुपीज़ का। 3 टारगेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला टारगेट है 2975 का, सेकेंड टारगेट है 3000 रुपीज़ का एंड थर्ड टारगेट है 3045 रुपीज़ का। ये 3 टारगेट्स हैं जो मुझे लगता है ये आप लोगों को HDFC AMC विद इन अ कपल ऑफ डेज या 1-2 वीक के अंदर आपको स्टॉक दिखा सकता है। वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिए, आई थिंक आप लोगों को बढ़िया रिटर्न मिलेंगे अगर आप इस पे भी ट्रेड करेंगे। सो ये थे हमारे 5 स्टॉक्स गाइस। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसके बाद चलते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट डाटा और FII के डाटा पे और देखते हैं कि कल की मार्केट की एक्सपायरी किस तरीके से रह सकती है। और मैं ट्राई करूंगा कि कल आप लोगों के साथ 2 बजे YouTube पे लाइव भी आया जाए। सो अगर इस वीडियो के अंदर अच्छे खासे लाइक्स आते हैं तो मैं कल आप लोगों के सामने लाइव आऊंगा YouTube पे अराउंड 2 बजे और हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। सो चलिए चलते हैं अपनी निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे। सो हम लोग अपने निफ्टी के चार्ट्स पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैंने आपको कल कहा था कि आज की मार्केट बुलिश रहने वाली है बिकॉज FII का डाटा भी बहुत अच्छा था एंड उसके अलावा हम लोगों ने देखा था ऑप्शंस में भी ड्रास्टिक चेंज था, नॉट इन बैंक निफ्टी बट निफ्टी के अंदर था। सो निफ्टी में हम लोगों के लिए अच्छी पोजिशंस बन रही थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन पे खुलते ही क्या हुआ एंड अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहली कैंडल तो एक ओपन और हाई बिल्कुल सेम था, मार्केट हल्की सी नीचे आई, फिर एक रिवर्स करी, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा एंड अपने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करने वाली थी, मार्केट क्लोज हो गई और एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर आ गया। अब यहां पर क्या करना है एग्जैक्ट इस करेंट लेवल पे, देखिए अभी मार्केट है अपने एग्जैक्ट एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है बट यहां पर पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है ओपन इंटरेस्ट और मल्टी स्ट्राइक प्राइस ओपन इंटरेस्ट को देख के, पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि ब्रेकआउट आ सकता है। मार्केट रेंज बाउंड और अपसाइड ही रह सकती है, मुझे अभी बियरिश के साइन नहीं दिख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर। वो लाइव मार्केट जब मार्केट ओपन होगी अगर कोई चेंज आता है तो हम लोग अपना डिसीजन बदल सकते हैं, बट अगर अभी मार्केट क्लोज है तो मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा, वो एक पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव इंप्लीमेंट, एक बुलिश इंप्लीमेंट ही फॉर्म कर रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर अपनी रेजिस्टेंस पे है और यहाँ पर पुट राइटिंग एक्सटेंड हो रही है, कॉल राइटिंग कम हो रही है और अपने रेजिस्टेंस पे, सो देयर इज अ हायर चांस कि एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने रेजिस्टेंस पे है सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर 840 के आसपास है, मुझे लगता है कि ये जो लो है, जो ये पर्टिकुलर लो है, इसे ब्रेक नहीं करेगा। सो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 15,750, ये जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे अगर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग अपने पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज अगर कोई डिप में मिलता है, कल बाय चांस निफ्टी डिप में जाती है तो वहां पर एक्यूमुलेशन हम लोग कर सकते हैं और निफ्टी को लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस और हमारा बाइंग साइड इनवैलिडेट कब होगा, जब एक 15 मिनट की कैंडल इस नेक लाइन, इस रेड लाइन के नीचे क्लोज करती है जो कि 15,750 का लेवल है। ओके, देयर इज अ हायर चांस एज वेल कि इसका ब्रेकआउट भी आ सकता है और कल एक नया हाई लग सकता है। अगर बाय चांस कल मार्केट साइडवेज चली जाती है, बिकॉज अभी 1-2 दिन से भी साइडवेज हो रही है, अगर साइडवेज चली जाती है सो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक ब्रेकआउट आ सकता है। कल अगर कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं आता या बिल्कुल माइनर सा सेलिंग प्रेशर आके रिकवरी होती है तो फ्राइडे को एक नया हाई जरूर लग सकता है। सो इसके साथ हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी लेकर चलेंगे, अदरवाइज कल मैं लाइव आऊंगा तो मैं आप लोगों को लाइव एक ऑप्शन डाटा दिखाऊंगा कि कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है हर 5-5 मिनट पे। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
सो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया आप लोगों के सामने एंड बैंक निफ्टी ने आज अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था जहां से मल्टीपल बार एक हेवी सेलिंग देखने को मिल रही थी जो कि लेवल था 35,800 रुपीस का। एग्जैक्ट स्टॉक इंडेक्स हमारा वहां तक गया, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आई और वहां से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक वो फॉल कर गया। अब स्टॉक पे करना क्या है, किस तरीके से अप्रोच लेकर चलनी है, सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, हम लोगों ने ये नेकलाइन बना रखी थी, एग्जैक्ट इस नेकलाइन तक आई और एक बुलिश अप मूव आई और क्लोज कर गया। सो ये नेकलाइन इंपॉर्टेंट है दो दिन के लिए, थर्सडे और फ्राइडे, हम दोनों दिन की बात कर लेते हैं। लेवल आ रहा है 35,400 रुपीज का, अगर 35,400 रुपीज के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है सो हमारा बाइंग साइड इनवैलिडेट हो जाएगा और एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर कल भी आप लोगों को डिप में मिलता है, अगर आपको 35,500 के आसपास दिखता है, कहीं पर भी दिखता है, तो स्टार्ट बाइंग। कल भी मैंने बोला था अगर डिप मिलती है तो बाइंग करना स्टार्ट करना, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो आपको यहां पर भी फुलफिल करना है, अगर डिप मिलती है तो बाइंग करना स्टार्ट कर देना। अदरवाइज मैं अभी आप लोगों को ऑप्शंस पे दिखाऊंगा कि देखना कैसे है। अगर डिप आती है और आप लोगों को लग रहा है कि जो भी ऑप्शन डाटा में आज मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा दूंगा कि कल लाइव मार्केट पे अगर डिप आती और हमें पता हो कि वो डिप क्या एक्चुअल में बाइंग वाली है कि एक सेलिंग प्रेशर आने वाला है, वो चीज आपको अभी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आप अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू कर लेना। बट मेरे हिसाब से जो ओपन इंटरेस्ट और वो सारी चीजें दिखा रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, सो निफ्टी में मुझे ज्यादा बुलिश मोमेंटम दिख रही है एज कंपेयर टू ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन डाटा। बट अगर हम सिर्फ टेक्निकल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वाई? बिकॉज बैंक निफ्टी मल्टीपल बार टेस्ट कर चुका है इस रेजिस्टेंस को, जितनी बार निफ्टी ने टेस्ट नहीं करा। सो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर इसका ब्रेकआउट दे तो एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो बाइंग अगर आपको करनी है ऑन डिप्स में करिएगा, अदरवाइज ब्रेकआउट पे करिएगा जो कि 35,820 रुपीस के ऊपर है। 820 के ऊपर जाता है तो आप लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट और एफआईआई डाटा की। सो चलते हैं वहां पे। सो निफ्टी का मैंने ओपन इंटरेस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दिया एंड यहां पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जितनी भी कॉल राइटिंग थी, जितने भी कॉल राइटर्स थे, जितने भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट था, वो सब लोग नेकलाइन के नीचे जा चुका है, ठीक है, एंड ग्राफ के नीचे जा चुका है। एंड दैट मींस कि यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर्स थे, जो लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी, उन लोगों ने एग्जिट करा एंड एग्जिट करते समय उन लोगों ने कॉल्स की बाइंग करी है, जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली आ सकती है। इसके अलावा आप सबसे बड़ी रेड कैंडल देख रहे हैं ग्रीन की, दैट इज द पॉजिटिव साइन जो कि एक पुट का ओपन इंटरेस्ट है। यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है वो हुआ है 15,800 रुपीज पे। सो आई थिंक 15,800 760 का लेवल तो ब्रेक होगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने 750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा हुआ है। अब यहां पर जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने अभी बात करी कि 15,900 भी ब्रेकआउट दे सकता है, बस एक छोटा सा हर्डल वहां पर आ रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट के थ्रू अगर वहां पर भी सस्टेन कर लेता है, उसके ऊपर रुक जाता है, तो 16,000 का लेवल भी बहुत इजीली आ सकता है। सो ओपन इंटरेस्ट पर हमें ये दिखा रहा है। अदर देन दैट अगर आप कॉल और पुट का चेंज देखेंगे, कॉल अभी भी नेगेटिव में है, सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, और पुट राइट पुट चेंज 4.4 मिलियन में है, इट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन कि एक बेस क्रिएट हो रहा है, ना कि नेगेटिव पोजिशन ज्यादा एड अप हो रही है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का देखते हैं, कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। आपने देखा ना निफ्टी पे कोई भी ऊपर रेड बार्स थे ही नहीं, ज्यादातर थे ही नहीं, बट यहां पे रेड बार्स और ग्रीन बार्स दोनों सेम है। सो यहां पर अभी अगर हम लोग बात करें तो एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, सबसे ज्यादा जो होल्ड करके बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 35,900 का, ठीक है। अगर 35,900 ब्रेक होता है तो 36,000 टू 36,200 ईजिली आ जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। सो अगर कल 35,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट इस 35,900, वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, फिर अगर रिकवर करा तो 36,100 भी ईजिली दिखा सकता है। बात करें अगर यहां पे तो आप लोग देख रहे हैं पुट और कॉल चेंज कहीं पर भी ज्यादा नहीं है, मतलब बैंक निफ्टी पर तो ज्यादा पोजिशंस बनी नहीं है, ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो निफ्टी को ट्रेड करेंगे। अब बात करते हैं मल्टी स्ट्राइक प्राइस की। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको कल अपनी पोजीशन को देखनी है, ठीक है, कैसे आपको देखना है कि एक्चुअल में कॉल की साइड का बिल्डअप ज्यादा हो रहा है ओपन इंटरेस्ट में या पुट की साइड का। एक बात याद रखना है, अगर पुट की साइड का हो रहा है तो वो अच्छी बात है, कॉल की साइड का हो रहा है तो वो एक नेगेटिव बात है, इतना याद रखना। जब आप ये चीज ओपन कर लेंगे, याद रखना कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, स्पॉट हो और ये तीन आपको लाइंस देखेंगे,
ये जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करी गई है ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये ब्लैक कलर की लाइन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। ये ब्लैक कलर की लाइन है पॉजिटिव, मतलब जो कि निफ्टी है। ब्लू कलर की लाइन है कॉल की, जो कि हमारे लिए एक बुलिश है, और रेड कलर की लाइन है कॉल की, जो हमारे लिए बियरिश है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या देखना है, अगर निफ्टी ये जो ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर अगर ब्लू कलर की लाइन रहती है और रेड कलर की लाइन नीचे रहती है, तो दैट मीन्स कि मार्केट अभी बुलिश फेस में है, ठीक है। एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, अगर रेड लाइन नीचे है और ब्लू लाइन ऊपर है, सो मार्केट बुलिश है। अगर रेड लाइन ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी काट के और ब्लू लाइन नीचे आना स्टार्ट कर देगी, तो मतलब 15-20 मिनट के अंदर अंदर एक बियरिश फेस या एक गिरावट आनी स्टार्ट होने वाली है। आपको मैं दिखाता हूं, ये 13 जुलाई है, 13 जुलाई को देख सकते हैं, ये एक नेक लाइन, एक रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया ब्लू लाइन ने, यहां पर आपको विजिबल होगी। मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूं, डोंट वरी, ये देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन नीचे थी, इस ब्लू लाइन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्लू लाइन का ब्रेकआउट दिया, कितने बजे दिया वो देखिए, इसने दिया अराउंड 13 जुलाई को 9:15 पे। जब ब्लू लाइन का ब्रेकआउट दिया, इससे हमें पता चल गया कि एक बाइंग आने वाली है। अब क्या निफ्टी पे कंपेयर करके देखे, सो चलिए निफ्टी पे एक बार कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी पे कंपेयर करके, सो 13 जुलाई 9:15, वेयर इज 13 जुलाई, देयर, आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये है 13 जुलाई 9:15, ये कैंडल बनी है 13 जुलाई ऑफ 9:15। ये बनने के बाद एक ब्रेकआउट आया और ब्लू कलर की लाइन ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। जब ब्लू कलर की लाइन ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, मतलब इसके नीचे जाने की इसके चांसेस खत्म हो गए, थोड़े देर के अंदर अंदर एक बाइंग आने वाली है। आप देख रहे हैं रेंज बाउंड हुआ और एक शार्प बाइंग आई। अगर इसी लेवल पे हम लोग उसी को देखकर एक बाइंग कर लेते तो कितने मजे आते, ठीक है। तो वही चीज आपको देखनी है, अगर ब्लू लाइन काट के ऊपर जा रही है रेड लाइन को, तो वहां पर एक बाइंग फेज आने वाला है। अदरवाइज अगर रेड लाइन काट के जा रही है ब्लू लाइन को, तो एक बेरिश फेज आने वाला है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को गाइस चेक करनी होगी। अदरवाइज बात करें एफआईआई का, तो एफआईआई ने सिंपल 200 करोड़ की फ्यूचर्स के अंदर बाइंग करी है और कॉल और पुट पे वो लोग स्टेबल है। सो अदरवाइज कल मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड रह सकती है, डाउन ट्रेंड आती है तो एक बाइंग आ सकती है। अदरवाइज ज्यादा बड़ी मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ये सारे डाटास को देख के, ठीक है। सो आप लोग अपना इसके बेसिस पे डिसीजन बना सकते हैं। अदरवाइज मैं कल आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू हेल्प आउट कर दूंगा जब मैं लाइव आऊंगा, ठीक है। जो टाइम मुझे ज्यादा सूटेबल लगेगा ना, मैं उस टाइम लाइव आ जाऊंगा और आप लोगों को बता दूंगा बेस्ट ट्रेड्स आप लोगों के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और कल एक मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, या मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगा, एक गिव अवे की वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफर मैं लेकर आने वाला हूँ, बेस्ट गिव अवे है जो आप लोगों को कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल वीडियो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, लिसनिंग दिस होल वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लेट्स एम फॉर 100K सब्सक्राइबर्स विद इन दिस पर्टिकुलर मंथ। थैंक यू गाइज, बाय बाय, गुड नाइट।